नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं इंफीबीम एवेन्यू लिमिटेड के बारे में। अभी जो है ना 36.80 पे मार्केट क्लोज हुआ है, 2.39% का डाउन साइड देखने को मिला। सुबह से ना एक डाउन ट्रेंड में ही मार्केट रहा, रिवर्सल तो हुआ ही नहीं। और दूसरा एक चीज़ बताऊँ, इसमें 16,555 क्वांटिटी ऑफ शेयर से ना बाइंग पोजिशन बनाई है, जो कि कल के मार्केट में ना इसको अपसाइड ले जाने में थोड़ा सा एक सपोर्ट बना सकती है। अपन न्यूज़ की बात करें ना, तो नया न्यूज़ कोई आया नहीं है। 5 तारीख को आया था, वो मैंने आपको पुराने वीडियो में कवर कर दिया था। अब गूगल का चेक कर लेते, तो गूगल पे भी मैंने चेक किया, तो गूगल पे भी कोई नया न्यूज़ आया नहीं है। अब आते हैं टेक्निकल चार्ट को चेक करने के लिए। तो टेक्निकल चार्ट मैंने आपको बताया था कि जो आपको बड़े बड़े कैंडल्स जो दिख रहे हैं ना, 3 कैंडल बराबर ना, 33 से लेकर यहाँ पे कितना 39 तक का मार्केट इसमें गया था। तभी मैंने आपको बताया था कि देखिए, इतना 3 कैंडल 3 दिन में इतना अपसाइड देखने को मिला ना, तो साफ साफ इसमें ना थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होगा। जो समझते हैं, देखते हैं रोज़ रोज़ वीडियो मेरे, वो जानते हैं कि भाई गलत नहीं बोलता है, जो चीज़ बोलता है एक्सपीरियंस के साथ बोलता है। तो देख लीजिए, यहाँ से ना एक थोड़ा डाउन साइड देखने को मिल सकता है, और मैंने बताया था ये हमारा एक सपोर्ट एरिया रहेगा। यहाँ तक 36.80 पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, 36.20 का हमारा सपोर्ट एरिया है। और ये जो है कैंडल इतना बड़ा था, इसका मैंने बोला था 50% तो कवर करेगा, क्योंकि 3 कैंडल बने हुए हैं। तो देख लीजिए, अभी ये ना हमारा रेकर सपोर्ट एरिया है। यहाँ से जब रिवर्सल देखने को मिलेगा ना, तो फिर 41 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। आज ना देखो, मैं ना ऐसा थंबनेल नहीं बनाता, मैं साफ साफ बताऊँ तो थंबनेल ना ऐसा नहीं बनाता कि भाई 30 का शेयर है और क्वांटिटी ले लो भारी भरकम, उसके बाद में ना 1500 रुपये का पर शेयर के हिसाब से आपको फ़ायदा होगा। तो ऐसा क्वांटिटी ऐसा चीज़ नहीं बनाता, पागल बनाने वाला काम नहीं है, अपना मुद्दा वाले काम है। तो देख लीजिए, यहाँ से अगर रिवर्सल ट्रेंड देखने को मिलता है, तो आपको 41 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट जो रहेगा 48 तक का देखने को मिल सकता है। और बाकी जो पुराने न्यूज़ को मैंने कवर किए हैं, उसके हिसाब से मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। फंडामेंटली कंपनी धीरे धीरे अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रही है, टेक्निकल थोड़ा जो वीकनेस आ रही है। तो देख लीजिए, यहाँ से कितना टाइम तक मार्केट कवर किया है, तो आपको क्या लगता है अब यहाँ से नीचे आने वाला है कि यहाँ से अपसाइड जाने वाला है? तो मोस्ट ऑफ चांस जो है ना अप ट्रेंड का ही है। कोई ख़राब न्यूज़ आ गया तो अलग बात है, लेकिन इसमें जो है ट्रेंड अपसाइड ही है। और यहाँ से जब रिवर्सल ट्रेंड देखने को मिलेगा, 41 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 48 तक का देखने को मिल सकता है। अगर बाई चांस ये ब्रेक भी करता है ना, तो आप मानना 33 तक का फिर एक दोबारा रिवर्सल ट्रेंड मिल सकता है, ऐसा नहीं कि बेरिश हो जाएगा। बाई से अलावा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। चैनल परिवार है तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।